यूपी के बहराइच से खबर है, जहां जिलाधिकारी बहराइच डॉक्टर दिनेश चंद और पुलिस अधीक्षक बहराइच केशव कुमार चौधरी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज ली। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बार फिर से तेजी से अपने पांव पसार रहा है, जिससे बचने का तरीका सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, वैक्सीन लगवाना और मास्क लगाना है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इसके बचाव का पालन करें। बूस्टर डोज आपने और जिलाधिकारी महोदय ने लगाई है, साथ ही पता चला है कि पुलिस विभाग के सभी कर्मियों को भी बूस्टर डोज लगेगी। बाकी पब्लिक से क्या आप कहना चाहेंगे, क्या कहें? देखिए, जो कोविड-19 का संक्रमण है वह पुनः एक बार फिर से फैल रहा है, तो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसके प्रति जनता को से मैं अपील करना चाहूँगा कि वो आएँ और जो वैक्सीन है वो उसका वैक्सीन जरूर लें, टीका लगवाएं, जिससे कि संक्रमण से वो बचे रहें, उसके प्रभाव से बचे रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी कोविड-19 के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप अपनी दिनचर्या बनाए रखें, साथ ही टीकाकरण अवश्य कराएं। धन्यवाद। आप लोगों ने लगवाई है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि शासन का निर्देश था, उसी निर्देशों के क्रम में आज हम लोगों को बूस्टर डोज लगी है। मैं पूरे अपने जनपद बहराइच के नागरिकों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के तीसरे संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अत्यंत महत्वपूर्ण उसका बचाव का साधन है। इसलिए जो लोग भी जिन लोगों ने पहली डोज नहीं ली है वह पहली डोज ले लें, जिनका दूसरी डोज ड्यूज है वो दूसरी डोज ले लें, और निश्चित रूप से जो वैज्ञानिकों द्वारा परीक्षित टीकाकरण हम लोगों के इस महामारी से बचाव के लिए अत्यंत उपयोगी और सिद्ध एक प्रक्रिया है, इसमें सहयोग प्रदान करें। मैं इस अवसर पर पुनः एक बार आपके माध्यम से सभी नागरिकों से अपील करूंगा, उन प्यारे बच्चों से भी जिनको 15 से 18 आयु वर्ष के हैं, कि वो आएं और बिना किसी भय के, बिना किसी उसके संदेह के टीकाकरण कराएं। जय हिंद, जय भारत।